सेक्शन फर्स्ट, ए सेक्शन अमन राणा, नमन राणा प्लीज आ गया बेटे। जस्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्या होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन बेटा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में वन क्वांटिटी इंक्रीज सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज एट द सेम रेट। वेरी गुड वेरी गुड, सिट डाउन। बी सेक्शन अभिजोत, अभिजोत अभी अभी उसने बताया बेटा ए सेक्शन से, जो अभी अभी जो आर यू देयर, ओके अभी अभी उसने बताया बेटा डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, वेरिएशन या प्रोपोर्शन एक ही बात है। ओके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसने बताया कि दोनों चीजें इंक्रीज करती हैं, एक इंक्रीज करी है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आप किसी और वर्ड्स में बताना चाहते हो इसको? प्लीज मैम आई एम जस्ट मैं कमिंग नाउ में प्लीज एक्सप्लेन अगेन वन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ, बताओ बताओ, व्हाट एवर यू वांट टू, जो आपका मन करे। नो मैं यू एक्सप्लेन अगेन इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन अच्छा ओके, चलो आप बैठो, अभी अभी आप क्लास में आए हो ना, मैम। ओके सिट, सेटल डाउन फास्ट, सेटल डाउन, टेक आउट योर रजिस्टर एंड ऑल, मैं फिर आपको दोबारा बुलाऊंगी। ओके 8B से न्यू अनदर चाइल्ड आरुषि, आरुषि कहाँ है? मैम शी इज कमिंग। शी इज कमिंग, शी इज ऑल्सो सेटलिंग डाउन आई थिंक, है ना? इट्स ओके, उसको वो खोलनी तो अपनी नोटबुक्स, आई थिंक वो अभी अभी आई है। बैठो बेटा आरुषि, आई विल कॉल यू। हरमन 8B, हाँ जी बेटे आप पहले से ही बैठे हो। डायरेक्ट वेरिएशन में उसने अभी अभी बताया कि दोनों चीजें एक इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है ना बेटे? कुछ और बताना चाहते हो आप डायरेक्ट के बारे में, और क्या पता है आपको? एक चीज हम एक्स की बात कर रहे हैं और साथ में वाई की बात कर रहे हैं, है ना? अभी हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट में आपने पढ़ा है कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है। ओके फॉर्मूला ये कुछ याद आ रहा है क्या करते हैं इसके अंदर, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ पता है? ओके पीछे से हाथ खड़ा करके, गर्ल इज रेजिंग अ हैंड, आप बैठो, जिसको मैंने पहले बुलाया था, आरुषि प्लीज कम फॉरवर्ड। यस डायरेक्ट को ही दोबारा बताओ कि डायरेक्ट के बारे में और क्या बता सकते हैं हम। मैम इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ वन वैल्यू इज इंक्रीजेस एंड सेकंड वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज, इफ वन इज डिक्रीजेस एंड सेकंड विल आल्सो डिक्रीज। वेरी गुड, और फिर हम कैसे इनको रेशो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x1 over y1 वेरी गुड, एक्स वन ओवर द वाई वन इज इक्वल इज टू, इक्वल टू वाई x2 over y2। वेरी गुड, ये सारे ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सिट डाउन, ये डायरेक्ट के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस में दो दो वैल्यूज की बात होती है, ठीक है, एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू होना चाहिए अगर वो डायरेक्ट में है। अगर वो दोनों रेशियो नहीं है इक्वल, आपस में प्रपोर्शन नहीं है, इसका मतलब वो डायरेक्ट में नहीं होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने से लगता है कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, बट उसके साथ आपको ये भी चेक करना है कि क्या उनकी रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल है तो वो आप बोलोगे डायरेक्ट में है। दोनों चीजें होनी चाहिए, ये भी और ये भी, इज फाइन। नाउ अगर क्वेश्चन में आपके पास मान लो तीन वैल्यूज है, चार वैल्यूज है, सिक्स वैल्यूज है, आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो ये आगे आगे कंटिन्यू होता जाएगा, x3 by y 3 4, x4 by y 4 एंड सो ऑन, ये सारे इक्वल 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 चलते जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट में है। ठीक है दिस इज अंडरस्टूड। अभी इनवर्स के बारे में कौन बता रहा है? एथ ए सेक्शन सुरवीन कौर, एब्सेंट नवजोत, इनडायरेक्ट में इस साइड पे लिख रही हूं,
अपनी समरी के फॉर्म में इसको लिख लो, जिन बच्चों को नहीं पता इनडायरेक्ट के बारे में हम क्या सोचते हैं। नवजोत आर यू कमिंग बेटा? हाँ जी, जो भी आपको पता है इसके बारे में, आई डोंट से कि सब कुछ बताओ, वट एवर यू नो अबाउट इनवर्स मैम, परफॉर्म। वन वैल्यू इंक्रीज एंड वेरी गुड। एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। वो जब हम वन की बात करें तो वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। हो सकता है एक्स डाउन जा रहा हो, वाई ऊपर जा रहा हो, डिक्रीज। एक्स ऊपर जा रहा है, तो दैट इज फाइन। इसको फॉर्मूला पता है आपको? क्या हम चेक क्या करते हैं? ये तो चलो एक कंडीशन हो गई, इसके साथ दूसरी चीज क्या चेक करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे ये रेशियो चेक की थी, वहां पे क्या चेक करते हैं? मैम, ओवर वाई टू, सॉरी X1, दोबारा बोलो। एक्स नो दिस इज, अच्छा X1 ओवर X2 बोल रहे हो आप। ओके इज इक्वल टू Y1 बाय Y2। ठीक है, अपने अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करो, डोंट लिसन टू अदर्स, अपना ब्रेन यूज करो। जब आप औरों को सुनते हो ना, फिर आप कैसे सोचोगे? आपकी सोच बंद हो जाती है उस समय जब आप औरों को सुन के बोलते हो। यस, वन गर्ल इज रेजिंग हर हैंड इन नेट बी, पीछे येलो टी शर्ट। यस, यू वॉन्ट टू टेल मी एनीथिंग एल्स इसके बारे में? इसने बताया X1 बाय X2 इज इक्वल टू Y1 बाय Y2। और क्या देख सकते हो इसको दूसरी फॉर्म में? मैम, देयर विल बी X1 ओवर X2 इक्वल्स टू Y2 ओवर Y1। Y2 ओवर Y1। वॉट एल्स? जो मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने भी आपको कुछ लिखवाया था ना। मैम, यस, दैट इन इनवर्स प्रोपोर्शन एक्स कैन इंक्रीज एंड वाई कैन डिक्रीज, और वाई कैन इंक्रीज एंड एक्स कैन डिक्रीज। हाँ, मैंने प्रोडक्ट पे लिखवाया था कि X1 और Y1, X1 Y1 इज इक्वल टू X2 Y2, ये लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? मैंने आपको ये प्रोडक्ट वाला लिखवाया था, ये चीज लिखवाई थी ना मैंने आपको, ये लिखवाया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये यस Y2 आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए Y2 बाय Y1। आप ये इसको याद करो या इसको याद करो, एक ही बात है। बट आपको ये कंफ्यूज करने वाले हैं ये रेशो, क्योंकि काफी बच्चों को याद नहीं रहता कि Y2 बाय Y1 लिखना है। तो बेटर है उसको इस फॉर्म में याद करो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं X1 Y1 को, और डायरेक्ट में हम उनकी फ्रैक्शन में लिखते हैं। प्लीज रिमेम्बर इन दिस वे, अगर आप अपनी मिस्टेक अवॉइड करना चाहते हो। आई थिंक दिस इज इजी टू लर्न, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फॉर एवरीबॉडी। ये चीज जो है उसने बता दिया है। ऑल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन दे कम टू नो, दे अंडरस्टैंड, दे यू नो इमीडिएटली ग्रैस्प कर लेते हैं कि ऊपर Y2 आना चाहिए, तभी तो X1 into Y1 बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। पर कई बच्चे अगर रट्टा लगा रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि नहीं इसको तो ऐसे ही याद करते हैं, तो वो गलती पक्का करेंगे कि Y2 के बदले Y1 लिखेंगे और फिर उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर, इसको नोट डाउन कर लो। जिन जिन बच्चों ने लिखना है उस दिन हमने सेंटेंस फॉर्म में लिखा था, आज ये आपके फॉर्मूला की फॉर्म में, आपका पूरे चैप्टर में यही चीज आपने बार 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 यूज करनी है। इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन, यू कैन राइट इट बाय राइटिंग द हेडिंग ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। अच्छे से उसको लिख लो, एग्जाम में उसको यहीं से रिवाइज कर पाओ। इसके अलावा पूरे चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। एवरीबडी नोट डाउन नाइसली, क्वेश्चन करते करते इनको बार बार देखते रहना ताकि आपको याद हो जाए। ओके, उसके बाद अभी हम मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। एरो लगाओ, एरो से आपको बहुत अच्छा पता चल रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज वाली आपको याद रहेगा। इनवर्स में, इनडायरेक्ट में, इनवर्स में, कुछ भी लिखो इसको, एक ही बात है। यस, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। बच्चे नोट कर रहे हैं कहीं? राइट, नाइसली। दोनों को लिखो, दोनों को इसलिए लिखना है ताकि एसर्शन रीजन में कहीं ऐसा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर Y2 होता है, नीचे Y1 होता है। ठीक है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। अप्लाई, आप जो आपको याद होता है उसको करो। चलो, जिन्होंने नोट कर लिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के बारे में सोचना शुरू करो। मैं भी आपसे ये आंसर पूछूंगी।
assertion reason. First question is, if for two quantities x and y, the ratio x upon y is equal to k, then they are said to be in direct proportion. दोबारा से पढ़ रही हूं मैं. इफ फॉर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, द रेशियो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के, ए इज कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकता है के, कुछ भी कैलकुलेशन करके जो भी आपका काट कूट के आता है वो आपका कॉन्स्टेंट होगा, देन दे आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. हु आर सेइंग ट्रू, रेज योर हैंड कॉन्फिडेंटली. दूसरों को देख के हाथ खड़ा नहीं करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग से है कि टू वैल्यूज डायरेक्ट में तब होंगी अगर उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा. दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू. राइट डाउन यू आर, फिर उसमें आपने लिखा भी हुआ था जब आपने डेफिनेशंस लिखवाई थी मैंने आपको. एसर्शन आपका ट्रू है, एक्स पॉन वाई इज इक्वल टू के. रीजन, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टूगेदर इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी गुड. एवरीबडी सेइंग ट्रू. रीजन इज ऑल्सो ट्रू, राइट? सो दिस इज ये ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन, असर्शन, हियर इट इज रिटन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. ये इसका सिंबल है, आप इसको लर्न कर लो. दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन. एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. ठीक है, अगर दोनों ही बिना फ्रैक्शन के हैं, न्यूमिरेटर जैसे हम बोलते हैं कि दोनों एक्स और वाई दिखाए हुए हैं, तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन. अगर हम इसको लिखते हैं कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई, तो इसको हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन. ठीक है, ये न्यू चीज है, आपकी बुक में शायद नहीं होगी. इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये है तो हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन. किस किस को ये पता था, रेज योर हैंड. किसी को पता था? ओके, देन लर्न इट. ओके, एक आधे बच्चे को ही पता है. दिस इज न्यू फॉर यू कि अगर ऐसा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, अगर ऐसा है तो इनडायरेक्टली बोलो, इनवर्स बोलो, एक ही बात है. ठीक है, ये अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, ये चीज ना अपनी नॉलेज के लिए लिख लो. ये वाला बॉक्स वाला ट्रू तो चलो लिख ही लिया आपने, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये सिंबल जो है वो विदाउट फ्रैक्शन है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे. अगर आपके पास रेसिप्रोकल आ रहा है इसके साथ, एक्स के साथ वन बाय वाई आ रहा है, तो वो इनडायरेक्टली होंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ही बात है. ओके, ये अपनी नॉलेज के लिए लिख लो. आपने पीछे जब की पॉइंट्स लिखे थे, मैंने बोला था कि उसमें स्पेस छोड़ो, एड ऑन करते जाना, है ना. उसमें ये पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हो. पीछे पेज टर्न करके जहां हमने की पॉइंट्स लिखे थे आप वहां पे लिख भी सकते हो इसको. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि इसको स्पेस छोड़ देना थोड़ी वहां पे और पॉइंट्स लिखने के लिए. तो ये बॉक्स आपका नॉलेज के लिए है, अदरवाइज आपका एसर्शन है ट्रू. आई जस्ट टोल्ड यू रीजन इज इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन देन वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. फॉल्स, यस. रीजन इज फॉल्स. तो कौन सी ऑप्शन आएगी इसकी? सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, assertion,
In case of direct proportion, if y1 and y2 are the values of y corresponding to values of x1 and x2, आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं इसमें हमारे पास x का मतलब होता है कि एक चीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ पेंस की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम y की भी बात करते हैं, y का मतलब नंबर ऑफ पेंस की भी बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेंस हैं, कितनी उनकी कॉस्ट होगी। पूरे के पूरे चैप्टर में हमारा पेयर में बात चलती है, एट अ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, राइट, देन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन, एट ए टाइम दो चीजों की बात करते हैं हमेशा, हमारे पास x1 y1 x2 y2 के बारे में रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर वो डायरेक्ट में होंगे तो x1 by y1 विल बी इक्वल टू x2 by y2, इज दिस ट्रू? थर्ड क्वेश्चन, जिनको लगता है कि असर्शन ट्रू है रेज योर हैंड। वेरी गुड, सबको पता है, ये तो बहुत बार कर लिया आपने, क्वेश्चन है आपकी डायरेक्ट प्रपोर्शन की। रीजन, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टूगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ट्रू, व्हाई इट इज ट्रू, कौन बताएगा मेरे को रीजन प्रॉपर बताओ कि क्यों ये भी ट्रू क्यों है। तो आपकी ऑप्शन आ रही है बी, पहले आंसर लिख लो फिर मेरे को रीजन बताओ कि व्हाई। इसका मतलब क्या है, रीजन का मतलब क्या है? नवलीन 8th A क्लास, कैन यू टेल मी कि व्हाई रीजन इज ट्रू? I mean, this we are saying that the quantities that increase and decrease are together are not always क्या मतलब है इसका? क्योंकि नीड नॉट बी का मतलब है कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। यस व्हाई ऐसा क्यों है, डाउट क्यों है? ओके, बैठो बेटा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आई वॉन्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 8th A सेक्शन से वो ऐसे टेलिंग मी, किसी बच्चे की मेरे को आवाज आई थी कि दिस इज ट्रू, हु वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन मी हाउ इट इज ट्रू? अच्छा जब हमने हाँ जी, ये 8B से आई थिंक द फर्स्ट चाइल्ड, यू वॉन्ट टू टेल मी बेटा दैट गर्ल, अपने वर्ड्स में बताओ जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपके मन में क्या चल रहा है कि हाँ ये ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए, क्यों? मैम, दिस इज फॉल्स बिकॉज द इनडायरेक्ट प्रपोर्शन द बोथ वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज टूगेदर एंड इनडायरेक्ट दे डू नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज टूगेदर। यस यू आर राइट, यू आर राइट, बट ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ना। मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाया मैंने ये बोला कि ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अभी आप सिर्फ इसको देख के नहीं बोल सकते कि वो डायरेक्ट है, एक और चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, बाय द आप फॉर्मूला रेशियो, उनकी रेशियो इक्वल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट है ना बेटा, दोनों चीजें होंगी तब आपका कंफर्म है कि वो डायरेक्ट में है। ओके, सिट डाउन, वेरी गुड, प्लीज रिमेम्बर ये क्वेश्चंस आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको रेशियो भी निकालनी है, अगर सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज का होता फिर तो ये ओरल चैप्टर होता, बस कुछ लिखने की जरूरत ही ना होती, स्टेटमेंट्स पढ़ के आप बोल रहे हो कि यस दे आर इंक्रीजिंग, यस दे आर डिक्रीजिंग, यस दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? वॉट यू आर लर्निंग, वॉट यू आर डूइंग, कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हो, यहां से कर रहे हो ना, कभी प्रोडक्ट को इक्वल बता रहे हो, कभी रेशियो को इक्वल बता रहे हो, तो ये चीज होनी भी जरूरी है, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इसलिए वो बोल रहे हैं नीड नॉट बी, हो सकता है कभी कभी ना हो, ठीक है बेटा, सो दैट्स वाई इट इज ट्रू। सबको समझ आ गई? चलो गुड बेटा, चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं।
एमसीक्यू क्वेश्चन आप पूरा पूरा क्वेश्चन करके देखोगे, लिखना है, सिर्फ ये नहीं कि टिक मार्क कर लिया ऑन दैट्स डन। ये पूरे आपके तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है, विदाउट एमसीक्यू भी आपको आ सकता है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह, इसलिए आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैच करेंगे आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, इन अ लाइब्रेरी 136 कॉपीज ऑफ अ सर्टेन बुक रिक्वायर अ शेल्फ लेंथ ऑफ 3.4 मीटर। पहले तो इसको विजुअलाइज करो कि वो क्या क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। एक शेल्फ लेंथ है आपके पास 3.4 मीटर, शेल्फ के ऊपर नोटबुक्स बुक्स रखते हो, आपने लाइब्रेरी में भी देखा होगा शेल्फ के ऊपर नाइसली रखी होती है सारी बुक्स, देखा हुआ सबने, ठीक है। एक और चीज आपने देखी होगी, नोटिस की होगी कि जो छोटी बुक्स हैं उनको इकट्ठा स्टैक किया जाता है, छोटी बुक्स को इकट्ठा रखा जाता है, जो लंबी वाली बुक्स हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक बड़ी रख दी एक छोटी रख दी, चार छोटी रख दी फिर पांच बड़ी रख दी, क्या उनका प्रॉपर ग्रुप बनेगा रखने टाइम, या फिर एक दूसरे के ऊपर गिरेंगी, दे विल फॉलो ऑन ईच अदर ना, प्रॉपरली स्टैक तो नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो इट इज रिटन हियर लाइब्रेरी 136 कॉपीज ऑफ सर्टेन बुक, इसका मतलब क्या है, कॉपीज ऑफ सर्टेन बुक का मतलब क्या है, कॉपीज का मतलब नोटबुक्स नहीं, कॉपीज का मतलब कि वो एक ही टाइप की बुक्स हैं, जैसे आपकी मैथ्स की बुक सबकी एक जैसी है ना, पूरी 8th क्लास के ए सेक्शन हो बी सेक्शन हो जितने भी बच्चे हैं सबकी एक जैसी है ना मैथ्स की बुक, डुप्लीकेट है ना वो एक दूसरे की, ठीक है। कॉपीज का मतलब डुप्लीकेट ऑफ दैट, जैसे फोटोकॉपी होती है। ओके सो दीज आर द डुप्लीकेट ऑफ अ सर्टेन बुक, सर्टेन मतलब सेम काइंड ऑफ बुक, एक ही टाइप की बुक्स की 136 कॉपीज हैं, कॉपीज का मतलब उनके वेराइटी ऑफ बुक्स हैं, 136 इन नंबर हैं आपके पास, और वो सेम काइंड ऑफ बुक्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो ये 136 है, ये सारी की सारी बुक्स जो है वो टोटल कितनी है 136, 136 अगर मैं यहाँ पे बुक्स रखूँ सेम सेम साइज की सेम लेंथ की, तो मेरे को चाहिए 3.4 मीटर शेल्फ की लेंथ चाहिए। नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी कॉपीज ऑफ सेम बुक, और मेरे को कितनी बुक्स चाहिए टू ऑक्यूपाई ए शेल्फ ऑफ 5.1 मीटर। विजुअलाइज करो पहले तो क्वेश्चन को कि अगर मेरे को और लंबी शेल्फ चाहिए हो 5.1 मीटर की चाहिए हो, तो मेरे को कितनी कॉपीज यहाँ पे रखनी चाहिए, कितनी कॉपीज मतलब जो बुक्स हमने इस सर्टेन बुक जो सिलेक्ट की है उसकी कितनी और रखनी पड़ेंगी डुप्लीकेट बुक्स, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपका टेबल बनेगा, चाहे वो एमसीक्यू है चाहे वो विदाउट एमसीक्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स, अब आपको कॉपीज का जो है वो समझ नहीं आएगा ना, यहाँ पे लिखो बुक्स, हमारे पास बुक्स कितनी है 136 बुक्स है, शेल्फ लेंथ कितनी है, शॉर्ट फॉर्म में लेंथ लिख लो नो प्रॉब्लम, 3.4 मीटर। देन यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी बुक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, यू रिक्वायर टू पुट इन 5.1 मीटर शेल्फ। पूरे की पूरी आपकी स्टोरी जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे हमने टेबल की फॉर्म में उसको लिख लिया, ठीक है। और टेबल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स एट अ टाइम, टू थिंग्स कौन कौन सी, एक्स एंड वाई, एक हमारे पास एक्स हो गया दूसरा हमारे पास वाई हो गया, और अभी X1 Y1 कहां से आएंगे, दिस इज X1 दिस इज Y1, ठीक है। आपको यहां लिखना है तो यहां पे भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बॉक्स के अंदर स्पेस है तो बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि ऊपर वाले हमारे X1 X2 हैं और नीचे वाले हमारे Y1 Y2 हैं। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको अभी फॉर्मूला की फॉर्म में लिखने वाले हैं,
चाहे रेशो के फॉर्म में चाहे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, हमें x1 y1 और x2 y2 तो चाहिए ही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या, जितनी जितनी बुक्स ज्यादा होती जाएंगी आपको ज्यादा लेंथ चाहिए शेल्फ की? मैम यस यस यू नो, मैम यस बोथ आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ बुक्स आर इंक्रीजिंग, वी वांट मोर स्पेस, मैम इट यस मींस दिस इज इन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस यू कैन राइट डाउन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लिखोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो इस यहां तक कि आपके फुल मार्क मतलब हाफ मार्क मिल सकते हैं, वो इसलिए कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है इस क्वेश्चन के बारे में, राइट? उसके बाद अपना फॉर्मूला लिखो, x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2, देन पुट द वैल्यूज, 136 by 3.4 इज इक्वल टू x2 by 5.1। ये स्टेप लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपके फुल मार्क्स आए और गलती ना हो। दिस इज अ वे टू राइट द आंसर, ओके? नाउ व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज बच्चों को काफी मिस्टेक होती है कि 5.1 को वो न्यूमिरेटर में लिख देते हैं और कभी 3.4 को न्यूमिरेटर में लिख देते हैं। आपकी ये जो पोजीशंस है ना अप एंड डाउन की नंबर्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी आपने पोजीशन चेंज की तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग। ओके, सो कैलकुलेट, ये डेसिमल वाला नंबर है, ध्यान से करना, आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल राइट इट एज, आई एम राइटिंग हियर, 136 × 5.1 इज इक्वल टू 3.4 × x2। डिनोमिनेटर खत्म हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, सिंपल इक्वेशन में आप 7th में करते थे, 8th में आपने लीनियर इक्वेशन में किया हुआ है ये ट्रांसपोजिशन। हाथ खड़े करो, किस किस को पता है कि हाँ ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी गुड वेरी गुड, हैंड्स डाउन सॉल्व करो। डेसिमल को हटा के पहले तो डेसिमल को सिंपल करो, वैल्यू को। कई बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, दे हैव फाउंड द आंसर, आई थिंक सबको करने दो बेटा, 2 मिनट, आई एम वेटिंग फॉर मिनट। आपकी ऑप्शन इसमें आ रही है, x2 is coming 204, दिस इज बी ऑप्शन, राइट? अमर दिस इज ऑल राइट, कैलकुलेशन ठीक होनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपका टेबल ठीक होना जरूरी है, फर्स्ट स्टेप। स्टेप में आपको जज करना कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। थर्ड स्टेप पे आपको फॉर्मूला लिखना और फोर्थ स्टेप पे आपकी कैलकुलेशन। ठीक है बेटे, ये 4 स्टेप्स आपके ठीक होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं, एंड दिस चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग। अगर आपको वे ऑफ राइटिंग आपका ठीक है और आपकी जजमेंट ठीक है कि आप डायरेक्ट के बारे में सोच रहे हो या इनडायरेक्ट के बारे में सोच रहे हो। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द वेट हंग ऑन इट। आपकी कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने रफ में विजुअलाइज करना है, जो भी आपके स्टोरी साउंड होते हैं ना बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमने विजुअलाइज करना होता है कि वो बात किस चीज की कर रहे हैं। अपने वे में जैसे आपको समझ आ रहा है उसकी थोड़ी सी फिगर बनाओ कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसके साथ नीचे वेट लटका हुआ है, ठीक है, कभी 5 kg है और कभी 2 kg है, वट एवर, राइट? तो आपको ये पता है कि कम वेट होगा तो वो कम स्ट्रेच होगा, ज्यादा वेट होगा तो वो ज्यादा स्ट्रेच होगा, यू नो इट ना, साइंस में भी पढ़ा हुआ है आपने। तो अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द वेट हंग ऑन इट। डायरेक्टली को अंडरलाइन करो क्वेश्चन में,
बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने क्वेश्चन के लिए यूज करनी है. डायरेक्टली, वेर इज डायरेक्टली, इसको अंडरलाइन कर. अगर नहीं भी दिया होता तब भी आपको बाय नॉलेज पता है कि जितना ज्यादा वेट हम हैंग करेंगे उतनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी, है यस ना बेटा. सो इफ अ वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.9 सेंटीमीटर, वी आर गोइंग टू राइट द टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल तो बनाना ही है आपने. मैम, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. यस आई कैन सी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट अ मिनट. इट्स ओके, मैं स्क्रीन ठीक करती हूँ, आप टेबल बनाना शुरू करो. यू नो द क्वेश्चन ना, टेबल बनाओ, उनकी टू वैल्यूज लिखो. वेरी गुड. जो वैल्यूज में आप जो मर्जी लिख सकते हो, जिसको जो समझ आती है वैसे लिखो. ओके okay? मैं अभी आपसे पूछूंगी क्या किया आपने, क्या क्या लिखा टेबल के अंदर. वैल्यूज भी लिखो, उनके नाम भी लिखो. थोड़ा सा ब्लर आ रहा है पिक्चर. बीच बीच में हो रहा है, अभी ठीक हो गया. नाउ इट इज फाइन बेटा. बीच बीच में हो रहा था थोड़ा सा. चलो ठीक है बेटा. ओके अभी आपने टेबल बनाया, फर्स्ट टेबल में क्या लिखा. यस टेबल तो बनाना ही है ना, बिना टेबल के हमारा क्वेश्चन नहीं होने वाला. मैथ का तो गलती हो सकती है, इसलिए हम टेबल बनाएंगे सेफ्टी के लिए. फर्स्ट है हमारा वेट वेट, यहाँ पे लिखो वेट. मैं पहले डब्ल्यू टी लिखने वाली थी, वट एवर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो. और यहाँ पे हमारे पास है एक्सटेंशन, ठीक है. वेट हमारे पास कितने हैं, 150 ग्राम्स, और यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन इज 2.9 सेंटीमीटर, और इधर है हमारा देन वेट इज टू बी फाउंड एंड दिस इज गिवन 17.4 सेंटीमीटर. वैल्यूज पुट करनी है फिर से, ये डेसिमल है तो ध्यान से करना इसको. सेम क्वेश्चन है ये, है ना. डायरेक्ट में गिवन था आपको, लिखो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक ही बात है. जल्दी से करना शुरू कर दो. एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू. आप चाहते हो आपकी गलती ना हो, प्लीज राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. 1 बाय 2.9 इज इक्वल टू एक्स टू डिवाइडेड बाय 17.4. सेम क्वेश्चन है ये, वहां पे भी एक्स टू निकाला था, यहाँ भी हम एक्स टू निकाल रहे हैं. प्लीज कैलकुलेट योर सेल्फ. गुड गुड गैस, आई कैन सी हैंड्स, करने दो सबको. एक बी सेक्शन पीछे से रेड टी शर्ट गर्ल. यस कितना आ रहा है आंसर, 900. 900 आ रहा है, दैट्स गुड. एक्स टू इज कमिंग आउट टू बी 900. जो बच्चे कर रहे हैं कंटिन्यू करो उसको, फाइंड आउट द आंसर. गुड गुड, ठीक है बेटा. दिस इज योर ऑप्शन इज सी. ओके गुड बेटा, गो बैक. सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. जिन स्टूडेंट्स ने 900 निकाला है रेज योर हैंड, कैलकुलेट करके अपने आप. वेरी गुड वेरी गुड. जो बच्चे कर रहे हैं इसको फिनिश करो, करते रहो इसको. वेरी गुड, बीच में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. अच्छा
If x varies directly as y square and x is equal to 4, y is equal to 5, find x when y is 15. इसमें हम डायरेक्टली टेबल भी बना सकते हैं. ओके, कुछ लिखने वाला नहीं है. वी कैन राइट इट एज एक्स एंड वाई स्क्वायर. दो चीजों की बात हो रही है. कौन कौन सी? एक्स एंड वाई स्क्वायर की बात हो रही है. तो एक्स आपके पास है 4, ठीक है, एंड दूसरी बार आपको एक्स क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है आपने. ओके, और यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है. वाई स्क्वायर खुद फाइंड आउट करना है. यू नो वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5, तो वाई स्क्वायर क्या होगा? व्हाट शुड आई राइट हियर इन दिस कॉलम? 25. वेरी गुड, दिस इज 25. एंड सिमिलरली नेक्स्ट इज गिवन 15 का स्क्वायर, दैट इज 225. यहाँ पे y इज इक्वल टू 15 दिया हुआ था और वहां पे y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था. ठीक है बेटा, ये साथ साथ लिख लो आपकी अपनी नॉलेज के लिए कि यहाँ पे y स्क्वायर आपके पास आया, y स्क्वायर आया आपके पास 25, और यहाँ पे y स्क्वायर आया आपके पास 225. जब तक आपके पास ये वैल्यूज नहीं आएंगी आप टेबल कंप्लीट नहीं कर पाओगे. ओके ओके बेटा, यस जो चीज रिक्वायर्ड है उसको यूज करो. चलो वेरी गुड, टेबल आपका कंप्लीट हो गया है. अभी जो फॉर्मूला भी ऑलरेडी बताया हुआ है, वेरीज डायरेक्टली को अंडरलाइन करो मॉड्यूल में, और एग्जाम में भी आपने अंडरलाइन करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो. वेरीज डायरेक्टली को अंडरलाइन करो, हमने यहां पे लिखना भी है, टीचर को भी बताना है हमने कि वी नो इट, मैडम. राइट? जब आप क्वेश्चन कर रही हो आपकी प्रॉपर नॉलेज शुड बी सीन बाय राइटिंग. टीचर को पता होना चाहिए कि आपको पता है इसके बारे में कि वो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, इसलिए एक्स वन बाय एक्स टू सॉरी एक्स वन बाय वाई वन विल बी इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू, एंड यू आर पुटिंग द वैल्यूज. फटाफट से वैल्यूज पुट करो. 4 बाय 25 इज इक्वल टू एक्स टू बाय 225. आपने डेसिमल वाला क्वेश्चन कर लिया, अब ये तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए, है ना? वेरी गुड. आई विल कॉल द नेम. सबने ऐसे बैठे बैठे आंसर नहीं बताना. एवरीबडी विल डू. आई कैन कॉल एनी वन. यू आर एक्सपर्ट नाउ, यू आर डूइंग वेरी नाइसली. ओके, आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम ए सेक्शन. डू इट सीरियसली. सबका हाथ चलना चाहिए. कई बच्चे आंसर की वेट कर रहे हैं. मैम ए सेक्शन नवराज निकालिए बेटे अपने. से 36 आ रहा है. आंसर 36 आ रहा है. एक्स टू इज इक्वल टू 36, तो आपकी ऑप्शन आ रही है बी ऑप्शन. ओके ओके गुड बेटा, सिट डाउन. लास्ट क्वेश्चन. जिनको यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ आ चुकी है, रेज योर हैंड. हु आर फाइंडिंग कंफर्टेबल कि यस वी हैव कम टू नो क्यों हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्यों हम फॉर्मूला लगा रहे हैं. वेरी गुड, हैंड्स डाउन, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट करो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन. टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो चीज आपको समझ आ रही है उसको टेबल की फॉर्म में लिखो. 11 मेन कैन डिग 6 3 बाय 4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन वन डे. लेट अस स्टॉप, अपना टेबल बनाना शुरू कर देते हैं. जिन दो चीजों की बात हो रही है, लेट अस राइट इट हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ. मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको ये वर्ड्स बता रही हूँ. बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है. शॉर्ट एंड स्वीट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं नीचे. ठीक है, तो 11 मेन
11 is related to 6 3 by 4 मीटर, 6 3 by 4 मीटर मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको ध्यान से लिखना, मुंह से बोल के लिखोगे तो गलती नहीं होगी आपकी। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मेनी मैन, लेट अस राइट इट क्वेश्चन मार्क, आप भी क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ना उसको। और देन इट इज गिवन 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच, दिस इज 27 मीटर। दीज आर ऑल सिमिलर क्वेश्चंस, अब तो आप परफेक्ट हो जाने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। स्टार्ट डूइंग एवरीबॉडी, अपने आप करो, वेरी गुड। डोंट डिस्कस, अपना अपना करो। ओके गुड गुड गुड, यू आर डूइंग फास्टर, यस। जिनका 44 आंसर आ रहा है दे कैन रेज देयर हैंड्स, गुड। इनका निकल जा रहा है, 44 निकल रहा है आंसर, वो हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं कि यस इट इज करेक्ट, यस हैंड्स डाउन, यस। इनके ऑलरेडी मैंने देख लिया है, बाकी बच्चे करते जो, आई एम वेटिंग फॉर यू, गुड। आई वांट टू सी एवरीबॉडीज हैंड, बहुत टाइप इसके आज इसी वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं हमने, दिस इज न्यू फॉर यू। यस बेटा 44, आई एम वेटिंग फॉर 44 आंसर, किस किस का आ गया है, आई वॉन्ट टू सी न्यू हैंड्स, न्यू वो आर स्टिल डूइंग, वेरी गुड गुड, ऑल राइट। ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपने इसको सबसे पहले इस नंबर को आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, उसके बाद उसको यूज किया है, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ मेन आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 44, ऑप्शन इज ए, राइट, मार्क कर लो इसको। आज मोस्टली हमने जो क्वेश्चंस किए हैं देयर वर फ्रॉम डायरेक्ट प्रपोर्शन, आपने देख लिया कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और उनकी रेशियो जो है वो इक्वल है, ठीक है। सेम फॉर्मूला आपने बार बार हर एक क्वेश्चन में लगाया अभी तक, ओके। देन कम टू केस स्टडी, केस स्टडी क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्टार्ट रीडिंग। द स्टूडेंट्स ऑफ अंजूज क्लास सोल्ड पोस्टर्स टू रेज मनी, अंजू वांटेड टू क्रिएट अ रेशियो फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ मनी हर क्लास वुड मेक फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्टर्स सोल्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितने पोस्टर्स आपकी क्लास में आपने पोस्टर्स बनाए कुछ डेकोरेशन के लिए, ठीक है, तो वो पोस्टर्स आपने अभी सेल करने हैं ताकि आपको कुछ मनी मिले उससे, ठीक है। तो हमारे टेबल हमें क्या बता रहा है, व्हाट शुड वी राइट इन द टेबल, यू ओनली टेल मी व्हाट शुड वी राइट इन द टेबल, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दो चीजों की इनकी बात हो रही है, पोस्टर्स मनी एंड पोस्टर्स की बात हो पोस्टर्स रही है, मनी एंड पोस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट राइटिंग, मनी एक ऊपर लिखो मनी एंड यहाँ लिखो नंबर ऑफ पोस्टर्स, शॉर्ट एंड स्वीट, आपका पता चल रहा है शॉर्ट में आपने क्या बताया है, आपकी नॉलेज बता रही है, यू नो इट। नाउ फर्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट शी न्यू दे कुड रेज 250 रुपीज फॉर एवरी 60 पोस्टर्स, कि अगर हम 60 पोस्टर्स बेचेंगे तो हमें रुपीज 250 मिल सकते हैं, ठीक है,
ये उन्होंने गेस कर लिया कि अगर हम 60 पोस्टर बेचेंगे तो हमें 250 रुपीज मिलेंगे. फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग व्हाट इज द ए पार्ट क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग हाउ मच मनी वुड अंजुस क्लास मेक फॉर सेलिंग 102 पोस्टर्स. कि अगर हमारे पास 102 पोस्टर्स होंगे तो कितनी मनी होगी. ये हमारा ए पार्ट है राइट. ए पार्ट का टेबल इज टेलिंग अस कि आपको मनी निकालनी है. इन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये डायरेक्ट में होगा. दोनों जो चीजें हैं उसमें हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं. हु अंडरस्टैंड. यस ए सेक्शन. ए सेक्शन आपको समझ आ रही है कि जितने नंबर ऑफ पोस्टर्स ज्यादा बेचोगे उतनी ज्यादा आपको मनी मिलेगी. डू यू अंडरस्टैंड. यस हाथ खड़ी करो फिर. ए सेक्शन आई एम वेटिंग फॉर यू. गुड चलो फॉर्मूला लगाओ फिर इसके लिए. फॉर्मूला लगाओ एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू. ठीक है इसमें वैल्यू डालो 250 बाय 60 इज इक्वल टू एक्स टू बाय 102. एक्स टू की वैल्यू निकालो कि हमारे पास कितनी मनी होगी अगर हम 102 पोस्टर्स सेल करेंगे तो. ए पार्ट का आंसर यस आई कैन सी वन हैंड. एट बी सेक्शन. यस निकालिए बेटे आपने बता दो. यस फर्स्ट गर्ल. फाइव हंड्रेड. नो इट इज रुपीज 425 रुपीज. दोबारा करो ठीक करो इसको कैलकुलेशन को. किसका 425 आ रहा है. रेज योर हैंड. यस दिस इज करेक्ट. प्लीज अपनी कैलकुलेशन चेक करो बेटा. जब आप जल्दी में करते हो ना तो थोड़ा रॉन्ग हो जाता है. और प्लीज एक बार करने के बाद दोबारा चेक किया करो. ओके बी पार्ट. बी पार्ट के लिए दे आर आस्किंग कुड अंजुस क्लास रेज एग्जैक्टली 2000 रुपीज. क्या उसको 2000 रुपीज मिल सकते हैं. अगर मिल सकते हैं तो कितने पोस्टर्स उसको सेल करने पड़ेंगे. ठीक है तो आपका टेबल इसमें चेंज हो जाएगा. टेबल में आपके पास क्या आएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट 250 एंड 60. इसने तो फिक्स ही रहना है. ये तो चेंज नहीं होगा. तो अभी आपके पास मनी आपको दी है कि 2000 रुपीज होनी चाहिए फॉर हाउ मेनी पोस्टर्स. क्या वो अभी भी डायरेक्ट में है. आर दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. हु अंडरस्टैंड. यस रेज योर हैंड. यस यस यू नो कि ज्यादा नहीं है तो आपको ज्यादा पोस्टर्स सेल करने पड़ेंगे. तो दोबारा से हम यहाँ पे रेशियो लिखेंगे 250/60 इज इक्वल टू 2000/Dash that is by 2. By 2 की वैल्यू निकालो बेटा. दो बार चेक करनी है वैल्यू अगर आप चाहते हो कि आपका ठीक आंसर हो तो. चेक योर वैल्यू 2 times. Yes. Raise your hand who have found it. Can you write the answer here? Answer is 480 beta. Yes, very good. You are busy doing. You can match your answer. 480. अभी आपका टाइम अप होने वाला है. Let us complete C part also. बहुत इजी है. Anjus class is able to raise 2300. How many posters will this sell? Same table है. सिर्फ values change हो रही हैं आपकी. 2000 के बदले में अभी आपके पास है
2300. बाकी सारा क्वेश्चन सेम है. दिस यू कैन डू योर सेल्फ. आई एम गिविंग यू हिंट. इसका आंसर है व्हेन यू बी सॉल्विंग एट होम इट इज कमिंग आउट टू बी रुपीज सॉरी 552 पोस्टर्स, नॉट रुपीज, पोस्टर्स की बात हो रही है. तो 552 पोस्टर्स आएंगे. प्लीज कंप्लीट एट होम. दिस इज सिंपल क्वेश्चन एंड सेम एज पार्ट बी. कुछ भी चेंज नहीं है. ओके खुद करके इसको मैच करना. हम हो गया. यस बेटा. ओके गुड. सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा. बाय बेटा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. ओके वेरी गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल टू यू मैम? यस. ओके दैट्स रियली गुड टू सी दैट. सो फर्स्टली क्विकली व्हाट यू हैव टू डू, रब योर हैंड्स. ठीक है, सबसे पहले पहले आराम से बैठो, आराम से सिट स्ट्रेट. नाउ रब योर हैंड्स. यस एवरीवन. यस नाउ पुट योर आईज. यहाँ पर आंखों पे रख दो, आंखों पे रखो. यस यस. नाउ रिमूव इट. चलो रखे थोड़े रखना है. ठीक है नाउ टेक अ डीप ब्रीथ. चलो सब सांस लो, अच्छे तरह ऑक्सीजन अपनी ब्रेन में लेके जाओ. चलो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल, लास्ट इनहेल एक्सहेल. दैट्स गुड, दैट्स गुड. ठीक है सर, अपनी वर्कशीट निकालो बेटा. असाइनमेंट लाइट की. Yes, take out your assignments. So now we are starting with your assignments. Okay? So those who know the answer, just raise your hand. कोई बोलेगा नहीं बेटा. ठीक है, कोई शोर नहीं मचाएगा. So first question is, if a light ray strikes a plane mirror along the normal in bracket perpendicular to the mirror bracket close, what is the angle of reflection? So 90 degree, 0 degree, 45 degree or 180 degree? So here, okay, from 8A corner row, second bench, blue shirt, blue sweater. Acha beta. 45 degree. What is the answer? 45 degree. Okay, sit down. ओके और कोई स्टूडेंट आंसर देना चाहेगा? 45 जस्ट कीप क्वाइट. हु सेड 0 डिग्री, रेज योर हैंड. सभी ने 0 डिग्री बोल दिया. अच्छा ठीक है, हेड हैंड्स डाउन करो. नाउ हु इज विद 90 डिग्री? सेम हैंड्स उठ रहे हैं बीच बीच में है. जिन्होंने 0 बोला वही बोल रहे हैं. अच्छा बेटा सब दिख रहा है मुझे, कौन सा कौन 0 पे भी हाथ खड़ा कर रहा था, कौन 90 पे भी कर रहा है. एंड नाउ हु इज विद 180 डिग्री? अच्छा
क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओके लेट्स फाइंड आउट दिस इज प्लीज बी क्वाइट बेटा आराम से ऐसे क्लास नहीं चलेगी ओके बी क्वाइट शोर नहीं आना चाहिए इट्स अ प्लेन मिरर एंड हियर परपेंडिकुलर लाइन हियर इट इज कॉल्ड नॉर्मल है ना Now question is saying what if a light ray strikes a plane mirror along the normal, what is the angle of reflection? Now the question is saying that जो reflected ray है वो ऐसे आ रही है. So what do you think? What is the angle here? 0 degree. So answer is B. Write down first answer is B. Yes, yes. Can you explain again? Yes, yes. Yes. So here it's a normal line. Normal line and question is saying reflecting line is कमिंग अलोंग उसके साथ आ रही है ठीक है जैसे नॉर्मल लाइन है वैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है जब इसको ये ऐसे आई ही नहीं रही तो ये एंगल कैसे बनाएगी इट्स नॉट कमिंग इन दिस वे ऑब्लिक वे में आई नहीं रही इट इज कमिंग स्ट्रेट ओके सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट मेकिंग एनी एंगल इट्स जीरो एंगल ओके सो ना कुछ होने से मुझे बुला देना अच्छा ठीक है ओके सो दैट्स व्हाई आंसर इज बी नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन अगेन सिर्फ हैंड रेज होने चाहिए कोई बोलेगा नहीं इफ द एंगल ऑफ ग्लैंस ऑन अ प्लेन मिरर इज 37 डिग्री व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 53 47 43 सो हियर नाउ एट बी फर्स्ट रो फर्स्ट बेंच गर्ल आ जाओ बेटा मैम 53 यस 53 सो जिनको नहीं आता नोट डाउन कैसे ये सेकंड का आंसर हमारा 53 आया आंसर भी लिखना है ठीक है सबने आंसर नोट डाउन करना है कैसे वो आया है वी नो दैट एंगल ऑफ ग्लैंस प्लस एंगल ऑफ आई मींस इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 degree, yes. And if angle of glance is 37, okay, it's 47. So when it goes to another side, 90 minus 37, so what it becomes? It becomes 53 degree. And now we know angle I is equal to angle R. Angle R. That's why it's 53. ठीक है? If we are saying this is the correct answer, we should aware of कि कैसे आया? ठीक है? Everyone note down this. सबने लिखना है. सब note करो. Okay. Coming to third question. If the angle between the plane mirror and the incident ray is 40 degree, what are the angles of incidence and reflection? Raise your hand. If the angle between the plane mirror and the incident ray is 40 degree, what is the angle? What are the angles of incidence and reflection? Yes, who will tell? Okay, 8th A, first bench girl. 8th A, first bench girl. Yes, beta? 40 degree. 40 degree. Kaise aaya? Ma'am, yes, 50 degree. Ma'am, 90 degree minus 40 degree.
सो लेट्स फाइंड आउट, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. सो नाउ अगेन एवरी वन ड्रॉ दिस, इट्स अ प्लेन मिरर. It's a normal line. ठीक है. Now question is saying if the angle between plane mirror, this is the plane mirror and the incident ray. Now let's draw incident ray. It's a incident ray, IR. अब वो कह रहा है IR और प्लेन के बीच में जो एंगल है, this the angle is what? It is 40 degree. अब इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ग्लैंस, है ना. एंगल ऑफ ग्लैंस इज गिवन 40 डिग्री. सो एंगल ऑफ आई वुड बी, यस, एंगल ऑफ आई क्या होगा? 50 डिग्री. इट्स 50 डिग्री. व्हाई इट्स 50 डिग्री? बिकॉज एंगल ऑफ जी प्लस एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 90. ओके, सो दिस इज व्हाट. सेकेंड क्या पूछा है? रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आई. सो इट्स 50 डिग्री. सो एंगल ऑफ आर इज 50 डिग्री. सबको समझ आया कैसे आंसर आया? हैंड करो. इज इट क्लियर ना? हैंड रेज, रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर. यस, ओके. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन. If the angle between the mirror and the reflected ray is 23 degree, what is the angle of incidence of the incident ray? So from 8B, middle row, second last girl in yellow t-shirt. Bit aa jao. I'm 67 degree. 67 डिग्री. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट के सही है नहीं है. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट ताकि सबको समझ आ जाए कि कैसे, अगर 67 है तो क्यों है. ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन. अगेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन. दिस इज अ प्लेन मिरर. बेटा सिट डाउन. दिस इज अ प्लेन मिरर. अगेन वी आर ड्रॉइंग दिस एनएल normal. Now question is saying the angle between the mirror and reflected ray. Okay, so this is a reflected ray that I am going to draw. It's a incident, it's a RR reflected. So in between plane and here, the reflected ray is 23 degree. It's a 23 degree. This is what they meant. Yes, plane mirror और reflected ray के बीच में बात की है. अब इन्होंने पूछा है what is the angle of incidence. अब देखो same वही चीज आ गई. ये angle of glass जो था उसके just opposite टाइप बराबर होता है. Okay, it's a angle theta. Okay, it's equal to angle G. अब अगर हमारे पास ये 23 है और हमें पता है कि नॉर्मल के साथ जो हमारा बनता है एंगल, दैट इज व्हाट, इट इज ऑलवेज 90. इट्स 90. नॉर्मल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद प्लेन मिरर. इट्स परपेंडिकुलर. अब 90 में से अगर 23 माइनस करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? 57. So angle of R is equal to 67. Angle of R is 67. Now question is what? Incident. So incidence ka kaise pata chalega? We know that angle of I is equal to angle of R. That is 67. So you are right, beta. Theek hai? It's 67. Answer is 67. So now moving to question number 5. If angle of incidence is 45 degree, the angle between normal and the mirror is,
सो यस एट्थ बी मिडल रो थर्ड लास्ट बॉय आ जाओ बेटा सेम क्लास ब्लू शर्ट आ जाओ बेटा The question is, this is a plane mirror. It's a normal always make 90 degree with the plane mirror. Normal kab baat ki hai? It always make 90. Can I go to my seat? Yes, yes, you can. So, it always make 90 degree. ठीक है बाकी जो बना रहे बनाते रहे बट नॉर्मल और प्लेन का इज ऑलवेज 90 डिग्री बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर लाइन एंड इन मैथ्स यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री ठीक है सो दैट्स व्हाई इट्स सी नाउ कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 10.2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर then the image of the object will be at a distance of dash from the plane mirror. So, from 8th AA, middle row, second bench girl. Aja beta. Ma'am, 10.2. So, sit down. Let's find out this also. So, the question is saying, this is a mirror. It's a mirror and here object is here. Object and mirror distance is 10.2 centimeter. Okay. Now, image of the object is formed here behind the mirror. Yes. So, that is the question asking. Ki then the image of object will be at distance from the plane mirror. So, if you remember the features of plane mirror. Yes. So, in that you learnt. What you learnt? Tell me. Ma'am, the image from the plane mirror, ma'am, their distance are same. Yes. So, their distance and even one more thing remains same. What is that? Ma'am, size. Size. अगर हम अपनी बात कर ले शीशे में अगर अपने आप को देख रहे हैं हम उतने साइज के नजर आएंगे अगर प्लेन मिरर है ठीक है इफ मिरर इज प्लेन सो यू कैन सी योर इमेज एज सच ठीक है सो हियर द इमेज विल बी फॉर्म एट सेम डिस्टेंस ओके सेम डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ What is the distance of the image from an object if the object is placed 2.5 meters from the mirror? Okay, 8th B, second bench, middle row boy, ajo. Ma'am, 2.5 meter. ओके सिट डाउन और कोई ओके एट्थ ए एट्थ ए ओके फर्स्ट बेंच गर्ल बेटा आप ही बताओ मैम 5 मीटर ओके आर सेइंग 5 मीटर सो लेट्स फाइंड आउट ठीक है अब मुझे दो आंसर मिले हैं अब उन दोनों आंसर में से कोई एक तो सही होगा है ना सो लेट्स फाइंड आउट क्वेश्चन इज सेइंग अगेन दिस इज अ मिरर दैट आई एम मेकिंग दिस इज अ मिरर And here is the object that is 2.5 meter away from the mirror. ठीक है? Similarly, जो image बनेगी भी 2.5 meter पे ही बनेगी. The image of the object. Same उस पे बनेगी. ये तो अभी तक का हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो था अब आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. अभी हम मिरर की बात ही नहीं कर रहा. द पर्सन इज द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन. ओके द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट दिस होल डिस्टेंस. सो होल डिस्टेंस विल बी distance of object from the mirror plus distance of image from the mirror. So it is 2.5 plus 2.5. So 2.5 centimeter, 5 meter. Okay. So answer is it's C. ठीक है? C is the correct answer. सबको clear हो गया? बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. अगर हम बात करें सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन जो है वो ऐसा लगता है सेम है बट दीज आर नॉट सेम. एक में हमने मिरर के साथ डिस्टेंस पूछा था और दूसरे में हमने ऑब्जेक्ट के साथ पूछा है. सो दैट्स व्हाई दीज आर डिफरेंट. दीज आर ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें हमें लगता है हमें आता है. यस यू मस्ट नो द आंसर बट क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछा क्या गया है. ओके फोकस ऑन दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 8. The mirror image of the time of the wall clock is. तो आप wall clock को जरा ध्यान से देखो क्या time इसमें दिख रहा है. मैम 7:10 दिख रहा है. Yes. तो what is the correct answer? Who can tell me? Sir ने आपको इसका formula बताया था. बताया? तो बहुत इजी फॉर्मूला है. ओके पहले तो आप गेस करो फिलहाल कि क्या लग रहा है आपको. कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है. विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट. विच ऑप्शन बी ऑप्शन. डी ऑप्शन कैसे फाइंड किया. अच्छा कौन कौन डी ऑप्शन कह रहा है. हैंड रेज करो. रेज योर हैंड. ए ऑप्शन. ए ऑप्शन बहुत से कह रहे हैं. अच्छा तो ए ऑप्शन और बी में जो क्वेश्चन है उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा अगर ए ऑप्शन हो गया. ओके पहले तो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको फिर आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है देन यू फाइंड द आंसर. ठीक है. जो हमारी क्लॉक होती है उसमें जो 12 आवर्स होते हैं हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 11 आवर्स 60 मिनट्स. डू दैट. नाउ पुट द वैल्यू हियर जो यहाँ पर दे रखी है. क्लॉक में क्या वैल्यू दे रखी है. आवर्स वाली साइड में क्या दे रखा है. 7. ये yes. पता होगा ये तो करवाया था इनको. दे विल डू क्लास 8 है ना. यस स्टूडेंट्स क्या बताया था पिछली बार. आपको बताया है ना टाइम का कि मिरर इमेज और उसके जो ऑब्जेक्ट है दोनों का सम कितना होना चाहिए. टेल मी क्विकली. देखो पिछला लेक्चर देखो कितना दोनों का सम. और ये एग्जाम में क्वेश्चन आना है. देखो जरा दोनों का सम बताओ कितना होना चाहिए. पढ़के क्या. ये मेरा मतलब आप क्लास में समझते ही नहीं हो. घर में ना भी पढ़ो नो प्रॉब्लम्स. 12 होना चाहिए. ये लिखवाया था ना आपको. तो फिर ये क्वेश्चन करो फटाफट से. डू इट. और आज मेरी बात सुनो. पहले मेरी बात ये क्वेश्चन करना. लिसन टू मी फर्स्ट. आज शाम को क्योंकि आपने मंडे को या ट्यूसडे को टेस्ट नहीं दिया है सबने. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन ऑनलाइन टेस्ट. वेरी फ्यू. और आज आपका है ना जो भी मैथ्स का हुआ है और जो ये साइंस का फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन वाला जो पूरा चैप्टर है इसमें से आज टेस्ट होगा. 5-5 क्वेश्चंस है बट जो मैम ने या मैंने करवाया वो पढ़ के देना है. और इन जो टेस्ट के स्कोर्स होंगे वो आपके मैनेजमेंट के पास जाएंगे. मैम आज फिर से टेस्ट होगा. आज फिर से टेस्ट होगा. कितना 10 मिनट तो लगते हैं.
डज इट टेक मोर टाइम मैम एट 6 o'clock एट 6 o'clock ठीक है एवरी स्टूडेंट शुड नो कि भाई हमारा 6 बजे आई होप सबने एप्स खोल ली है यस और नो ठीक है सबने एप्स खोल लिए सबने एक टेस्ट तो दिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो आज याद रखना है कि हाँ बोलो बेटा हमारे ऐप में टेस्ट शो नहीं होता बेटा आप ना जाकर 5 o'clock या उससे ना फिर दोबारा से हमसे क्योंकि आपको नंबर दिया हुआ है ना फोन नंबर दिया हुआ है उस पर कनेक्ट करना फिर हम बताएंगे भी क्यों नहीं शो हो रहा है जिसको प्रॉब्लम आए वो कांटेक्ट करके दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं वो कांटेक्ट करके अपनी ऐप की सोल्यूशन कर सकते हैं ठीक है और ये टेस्ट देखो बेटा पता क्या बात है कि जो देखो ये क्लॉक वाला क्वेश्चन मैम भी करा रहे हैं मैंने करवा दिया और हमने पेपर तो मैंने ही बनाना है और मैंने ये डाल देना है क्वेश्चन पेपर हमने बनाना है और ये क्वेश्चन हमने डाल देना है कि हमने तो कराया हुआ है और फिर क्या होगा नंबर आपके 0 और हमें लगेगा इतना इजी तो क्वेश्चन है दोनों का मिरर और ऑब्जेक्ट का 12 करना है माइनस का क्वेश्चन है क्या है बच्चों को आता ही होगा एंड यू विल गेट 0 मार्क्स ठीक है मार्क्स एक अलग चीज है और नॉलेज भी एक चीज है दोनों चीजें हमें चाहिए आर यू रेडी घर जाके पढ़ोगे रेज योर हैंड्स जो कहता है भी हम घर जाके आज पढ़ेंगे एक बार घंटा लगेगा बेटा 1 आवर ओनली एंड विल गिव द टेस्ट डेफिनेटली वेरी गुड ठीक है आज की अटेंडेंस शीट मेरे पास ये टीचर भेजेंगे और आज टेस्ट जो है सबने देना है बेटा इट इज इन योर बेनिफिट और ये क्लॉक वाले क्वेश्चन इतना अच्छा लगता है इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं है ना कि दोनों का सम 12 करना है और जब हमें आते हैं तो हमें लगता है लै कितना इजी सा क्वेश्चन है ये यस और नो ठीक है तो एक तो ध्यान रहे क्वेश्चंस एंगल ऑफ ग्लास जितने मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसमें से क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल इमेजेस मैम ने करवाई है वो आएंगे क्लॉक के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे एंड आई विश कि आपके 5 out of 5 marks आए साइंस में डू यू एग्री यस और नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल से कि भी हमारे आ जाएंगे जल्दी से वेरी गुड हाँ वेरी गुड सबके 5 out of 5 साइंस में आने चाहिए मैथ्स में तो है ही है ठीक है चलिए तो ये करवा कर ही छुट्टी देनी है नहीं हमने छुट्टी नहीं देनी हुई तो यस सबको याद आ गया जो पढ़ा था लास्ट टाइम सो यस हम 12 hours का ऐसे लिख सकते हैं कैन वी राइट लाइक दिस 11 hours 60 minutes दैट मेक्स 12 hours यस और नो Yes. अब देखो ये जो घड़ी बना रखी है बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो जो आर वाला हैंड है वो किस पे 7 पे ठीक है मिनट्स वाला कहाँ पर है मैम 10 10 हम इसको माइनस कर लो क्या बनता है मैम 450 अब ये 450 कौन सी वाली क्लॉक शो कर रही है डी वाली 450 शो कर रही है ठीक है इजी है यस इट्स इजी यस इट इज जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सिर्फ आपने 1160 याद करना है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है आर वाले को आर के नीचे मिनट्स वाले को मिनट के नीचे दैट्स इट नथिंग एल्स कोई हमने याद नहीं करना कोई हमने यहाँ पर देखने नहीं बैठना ठीक है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मल्टीपल इमेजेस बेटा आपकी हो चुकी है Yes, हो चुका है मल्टीपल इमेजेस अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ आपने मल्टीपल इमेजेस अपनी कहाँ देखी है सबसे पहले तो आप मुझे अपना बताओ कहाँ पर बेटा एक बोलो सारे बोल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा
ट्राई रूम अच्छा, वेट वेट, क्लेडियोस्कोप वो सब बात की बात है, वो तो आपने कहाँ देखा वो बात नहीं, आपने रियल लाइफ में जो देखा होगा वो ट्रायल रूम में देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन इन ट्रायल रूम। जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं ट्रायल रूम, तो ट्रायल रूम में यू मस्ट हैव नोटिस दैट वन मिरर इज हेयर, वन मिरर इज हेयर एंड द पर्सन इज हेयर, उसकी इमेज यहाँ भी बनती है यहाँ भी बनती है, और अगर और भी मिरर है वहां भी बनेगी, अगर ऊपर है तो ऊपर भी बनेगी, दैट इज मल्टीपल इमेजेस। अब मल्टीपल इमेजेस में मल्टीपल इमेजेस क्यों बन रही है, ऑब्जेक्ट तो एक है, इमेजेस इतनी क्यों बन रही है, कभी सोचा ये चीज, हियर ऑब्जेक्ट इज ओनली वन बट इमेजेस आर मेनी, व्हाई सो? ओके ओके, ऑब्जेक्ट एक है, अगर हम कहें सबसे पहले अगर इस पे इमेज पड़ी है, रिफ्लेक्शन हुई है, इसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो किस पे जा रही है, इस पे जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नाउ दिस पार्ट और दिस इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, गॉट इट? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है, सो दैट्स वाई मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड, गॉट इट? अब जब भी हमें ये फाइंड करना है या हम बनाना चाहते हैं हमारी इतनी इमेजेस बने मिरर में, ओके हम चाहते हैं हमारे पास दो ही मिरर है लेकिन दो की जगह हमारी चार इमेजेस बने, कैसे बनाओगे? यस, यहां पर ये जो दो मिरर है बेटा, इसके बीच जो एंगल है थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, इसको एडजस्ट करके वी कैन क्रिएट एज मेनी एज इमेजेस एज वी वांट, गॉट इट? इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? यस मैम, प्लीज दिस इज द फॉर्मूला, सो यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, सो दैट्स गुड, सो लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिविटी। How multiple images are formed by using two plane mirrors and placing them at different angles? So first angle is 90. 90 पे कितनी images बनेगी? फटाफट बताओ. 3. 3. And in 45 degree? 7. And 60 degree? 5. That's right. That's right. You just have to put values of angle here in case of theta and then you get the answer. Now, second question of this is, why we can't get multiple images if the two mirrors are placed at 180 degree angle? Yes, 8th B, corner row, third bench girl. Ma'am, because when angle between the two mirror is 180, they together act like the single mirror so that they can only make one visible. Yes, that's right. So basically, अभी यहाँ पर अगर angle दिख रहा है ना हमें बेटा, ऐसे ये tilt है, लेकिन अगर हम दो mirror को ऐसे सीधा खड़ा कर दें, ये हमें दो नहीं लगेंगे, they will act as single mirror and that's why जो reflection है एक mirror से दूसरे mirror में नहीं जाएगी, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कांट सी मल्टीपल इमेजेस। कमिंग टू 10th क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज रिड्यूस्ड व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड? ये सेठ थे, सेकंड बेंच बॉय आ जाओ, सेम बॉय आ जाओ बेटा, it increases or decreases? Increases. अगर हम एंगल डिक्रीज करेंगे इमेजेस इंक्रीज होंगे, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख लो, ये जो भी हमारे पास टेबल है, 90 में 3 बन रही थी, 45 में 7 बनी और 60 में 5 बनी, तो जैसे जैसे एंगल छोटा होता गया इमेजेस ज्यादा होती गई, ठीक है। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, वाई डू मल्टीपल इमेजेस फॉर्म when two plane mirrors are placed and at angle?
ये इसका भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही चीज मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ. सो हियर आई एम कॉलिंग एट थे से मिडल रो लास्ट बॉय येलो शर्ट आ जाओ बेटा. ऑप्शन यस द मिरर रिफ्लेक्ट लाइट मल्टीपल टाइम्स यस. नाउ कमिंग टू 12th क्वेश्चन व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. इसका इसका आंसर कौन बताएगा. यस 8th बी फर्स्ट बेंच बेटा आ जाओ. यस आप आ जाओ. इनफिनाइट इनफिनाइट यस. तो अगर हम जो है मिरर्स को एक मिरर इधर है और एक इधर है अगर यहाँ पर इस पोजीशन में रख दे तो इनफिनाइट इमेजेस हमें मिलेंगी. ठीक है. कमिंग टू 13th क्वेश्चन टू मिरर्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर. ठीक है एज शोन. नाउ हियर The angle of reflection R of the ray of light from mirror Y is 10 degree. Then the angle of I on the another mirror X is. Who will tell? Beta same hi aega 90 degree pe hai dono. Yes. Answer is same. Yeah. Okay. Coming to 14, changing the angle of mirror in kaleidoscope will. इसका क्या आएगा? What is the answer of this? अगर हम kaleidoscope का जो mirror है उसके angle change करते जाएं तो क्या होगा? Kaleidoscope में दिखता क्या है पहली बात तो? मैम ब्यूटीफुल पैटर्न्स डिफरेंट पैटर्न्स एंड कलर्स और वो कभी रिपीट नहीं होते जैसे आप चेंज करते हो रिपीट नहीं होते. सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स टू मेक डिफरेंट डिजाइंस. ठीक है. सो आंसर इज बी. नाउ 15th क्वेश्चन हाउ मेनी प्लेन मिरर्स आर टिपिकली यूज्ड इनसाइड अ बेसिक कैलिडोस्कोप. कितने होते हैं? थ्री. यस थ्री. Now reason assertion question 16th number. A kaleidoscope creates multiple patterns when viewed through the eyepiece. Is it true? Yes. Yes. Reason a kaleidoscope contains mirrors positioned at angles to reflect light multiple times, creating symmetrical patterns. True. Yes. Coming to 17th. Assertion, a kaleidoscope is used for seeing objects clearly at a distance. False. It's false. Reason, a kaleidoscope works by forming patterns through repeated reflection of light inside mirrors. And true, but it is not related to the assertion. Now, case study. Karina has two plane mirrors. She arranged mirror in different manners. So first question, how would she place both mirrors so that her single image is obtained? तो single image के लिए कौन सा angle रखना पड़ेगा? 180. So for this, she has to keep it as like this. So 180 degree. 180 degree पे वो दोनों mirror को रखेगी, then she gets single image. ठीक है? Second question, how mirrors can be placed if she wants to obtain two three and infinite images of her. तीनों का अलग अलग आंसर है. For two, she, okay, B में अगर two images चाहिए तो two images के लिए क्या एंगल होना चाहिए? 90. C के लिए 90. और अगर हम infinite की बात करें parallel. नेक्स्ट आर द नेम टू डिवाइसेस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. पेरिस्कोप. यस पेरिस्कोप एंड क्लाइडोस्कोप. पेरिस्कोप में मल्टीपल इमेजेस बनती है.
पेरिस्कोप में मल्टीपल इमेजेस बनती है, बनती है कैसे बनती है, क्योंकि एक मिरर जो है दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट्स 45-45 डिग्री के वो जो है एंगल में पोजीशन होते हैं, दैट्स राइट। नाउ फोर्थ इज एट विच एंगल द टू मिरर्स आर प्लेस्ड इन पेरिस्कोप टू सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हायर लेवल देन द ऑब्जर्वर। ये इसका आंसर मैंने अभी गलती से आपको बता दिया, वैसे देखते हैं कौन अटेंटिव था। 45 डिग्री, यस। सो पेरिस्कोप में अगर आपने देखा होगा बेटा, सो इट इज लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई और पर्सन है जो बाहर है ग्राउंड में, और यहाँ नीचे जो है हम जो है सोल्जर हमारा बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक मिरर यहाँ पर होगा, एक मिरर यहाँ पर होगा, अब उससे जो लाइट आ रही है वो जो है इस मिरर पे, इस मिरर से होते हुए इस मिरर पे गिरेगी, एंड देन वो जो नीचे हमारा सोल्जर है उसको दिखेगी, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये तभी होगा जब ये जो है यहाँ पर मिरर, ये 45 डिग्री की पोजीशन पे होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ पेरिस्कोप वर्क, इज इट क्लियर? यस। ओके, तो बेटा आपकी असाइनमेंट हो चुकी है, अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज डू आस्क मी, अगर किसी को कोई डाउट है आज के असाइनमेंट से, क्योंकि आज आपका इससे रिलेटेड टेस्ट है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लाइव चैप्टर यू कैन आस्क मी, एनी ऑफ यू यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, हेल्दी डिस्कशन वी कैन डू ना, इफ यू हैव डाउट देन रेज योर हैंड, यस, एनी डाउट यू कैन आस्क, वी हैव आई थिंक 4-5 मिनट्स वी कैन डिस्कस, डाउट नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो इसका मतलब आज टेस्ट अच्छा करने वाले शाम को, सो आई विल सी गुड मार्क्स, दैट्स रियली गुड, गुड कॉन्फिडेंस, दैट्स रियली गुड, ठीक है। जो क्वेश्चंस है उनको ध्यान से करना, खासकर वो जो आपका ऑब्जर्व जो हमारा ऑब्जेक्ट एंड मिरर वाला हमारा क्वेश्चन था जिसपे आप लोग काफी अलग अलग आंसर दे रहे थे, सो ध्यान से देखना है कि ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पूछा है, फोकस ऑन दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। सीधा आंसर पे जंप नहीं करना, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, रीड इट केयरफुली, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, बाय मैम, बाय मैम।